ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में, और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को-स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। जयराम ठाकुर द्वारा सीएम पद की शपथ लेते ही झूम उठी छोटी काशी मंडी, मंडी जिला को सीएम के साथ मिली दो कैबिनेट मंत्रियों की सौगात। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का जमकर हुआ शोषण, सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान बोले युवा विरोध दल संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा। बीती 21 दिसंबर को मंडी बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैलाने वाले युवक ने घर पर अपनी मां के न होने का कारण किया था कारनामा। ब्लू गेम गेम खेलता था युवक, इस कारण हो गया था युवक को साइको। और पंडो स्कूल के बच्चों ने किया पुलिस चौकी और पंचायत घर का भ्रमण, बच्चों को कानून व्यवस्था और यातायात की दी गई जानकारी। बीती 21 दिसंबर को मंडी बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैलाने वाले युवक ने घर पर अपनी मां को न होने के कारण यह कारनामा किया था, इस बात का खुलासा युवक ने पुलिस की पूछताछ में किया है। एसपी मंडी अशोक कुमार ने इस संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाकर पूरे मामले का खुलासा किया। युवक मंडी जिला की बल्ल घाटी के सहल गांव का रहने वाला है। 21 वर्षीय यह युवक एमसीए की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस को जांच पड़ताल में यह भी पता चला है कि युवक ब्लू व्हेल गेम खेलता था और गेम के कारण ही युवक को साइको हो गया था। यही कारण है कि जब युवक अपने घर आया और मां को घर पर नहीं पाया तो उसने बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैला दी। युवक ने अपनी मां को फोन भी किए लेकिन उसकी मां ने फोन नहीं उठाए। पहले युवक को लगा कि किसी ने उसकी मां को किडनैप कर लिया है। बाद में उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद उसकी हरकतों से परेशान होकर उसकी माँ उसे छोड़कर अपने जम्मू स्थित अपने मायके चली गई है। इसी कारण उसने बसों को रोकने के लिए बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैला दी। एसपी मंडी अशोक कुमार का कहना है कि ब्लू व्हेल गेम के टास्क के साथ झूठी अफवाह फैलाने का कोई संबंध सामने नहीं आया है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे पता चलता है कि जो लड़का था उसको आशंका थी कि उसकी मदर उसको छोड़ के कहीं जा रही है और उसको रोकना चाहता था, कोई आपस में पारिवारिक कुछ गलतफहमी थी, और उसको लगा कि अगर वो बम की अफवाह फैलाएगा तो वो उसकी मदर जा नहीं पाएगी, इसीलिए उसने ऐसी फ़ोन करके बस अड्डा इंचार्ज को बताया। देखिए, ये बात सच है कि जो हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है ये तथ्य सामने आया कि इस लड़के ने स्वीकार किया है कि ब्लू व्हेल गेम खेलता था, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि जो भी इसने फोन किया बस अड्डा इंचार्ज को बम की अफवाह फैलाने के लिए वो ब्लू व्हेल गेम का पार्ट नहीं था, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वहीं युवक ने पुलिस को यह भी बताया कि वह ब्लू व्हेल गेम खेलने के साथ उसके टास्क भी पूरे कर रहा था, लेकिन अधिकतर टास्क वह झूठे तरीके से पूरे करता था। हाथ काटने और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने का टास्क उसने झूठे तरीके से पूरा किया। नकली फोटो नेट से डाउनलोड करके उन्हें ही अपलोड कर दिया। उसने खुद को कभी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मानसिक रूप से वह परेशान होने लग गया। घर छोड़ने का और परिजनों के साथ झगड़ा करने का भी उसने नाटक किया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब उस पर मानसिक दबाव बढ़ गया और वह इस तरह की हरकत कर बैठा। एसपी मंडी ने परिजनों से अपने बच्चों पर विशेष नजर रखने का आह्वान किया है ताकि इस प्रकार की गेम के कारण उनका बच्चा कोई गलत कदम ना उठा सके। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्लू व्हेल गेम्स में कुछ टास्क दिए जाते हैं, तो जैसे कि हाथ पे कट लगाना, तो इस लड़के ने उसका फोटो दूसरी जगह से डाउनलोड किया और भेज दिया। ऑफ कोर्स इस लड़के ने थोड़ी समझदारी का काम किया, और मैं बाकी पेरेंट्स को भी यही अपील करना चाहूंगा कि भाई अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि जिस तरह की घटना सामने आई है, कई दफे ऐसे ऐसे बच्चे बिहेव करने लगते हैं जिसको हम नॉर्मल बिहेवियर मानते हैं कि बच्चा नाराज होगा, और जैसे कि इस केस में भी सामने आया कि उसको एक टास्क दिया गया था कि वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करेगा, ये पार्ट था टास्क का जो इस बच्चे ने एक्सेप्ट किया है हमारी इंटरोगेशन में, तो पेरेंट्स को लगा हुआ कि बच्चा थोड़ा सिर्फ झगड़ा कर रहा है, पर बेसिकली गेम का पार्ट था
और थोड़ा सा चिंता का विषय है। सारे पेरेंट्स को मैं अपील करूंगा कि इस विषय पर ध्यान दें और अपने बच्चों के अगर कोई इस तरह का बिहेवियर आ रहा है तो उसके मोबाइल फोन वगैरह को चेक करें, उसका जो रूटीन है डेली रूटीन उसको भी एक बार चेक कर लें कि कहीं बच्चा अचानक सुबह को जग तो नहीं रहा है या देर रात्रि को जाग तो नहीं रहा है या इंटरनेट पर कितना टाइम व्यतीत कर रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे। अभी यह युवक पुलिस हिरासत में ही है और पुलिस इस मामले की पूरी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। युवक से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके फ्रेंड सर्कल में कोई दूसरा युवक तो इस गेम के दायरे में नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी शहर में चोरियों के बढ़ते मामलों को लेकर एसपी मंडी अशोक कुमार ने प्रेस में जारी बयान में कहा कि मंडी के लोगों को अपने घरों में सतर्क रहना चाहिए और अपने कीमती सामान लॉकरों में सुरक्षित रखना चाहिए और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। एसपी मंडी अशोक कुमार ने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर कहा कि मंदिर कमेटियां मंदिरों में भी सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करें और चौकीदार रखना चाहिए ताकि मंदिरों में होने वाली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। उन्होंने मंदिर कमेटियों से आह्वान किया कि वे पुलिस के साथ संपर्क बनाए रखें ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो सकें। हमारे मंडी में बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत पुरातन मंदिर भी हैं। मेरी सारी मैनेजमेंट कमेटी और सभी मंडी वासियों से अपील है कि जितने भी मंदिर हैं वो हमारी बहुमूल्य धरोहर हैं, समय से एक तो सीसीटीवी जरूर लगवा दें और जो भी उनके कीमती सामान है उसका फोटो खींचे, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें, प्लस अगर जहाँ तक हो सकता है उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लें, कोई चौकीदार अगर हो सकता है वो रख दें या मंदिर के जो भी पुजारी हैं अगर वो आसपास होते हैं तो ऐसा इंतजाम करें कि किसी की इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे और पुलिस को कम से कम सूचित करें और हम कोशिश करेंगे कि पेट्रोलिंग उन एरिया में लगातार करते रहें और अगर किसी भी तरह की कोई भी इनको सूचना मिलती है इस तरह की किसी ने मंदिर के साथ छेड़खानी नहीं की है तो पुलिस को तुरंत बताएं। वासियों से अपील है कि क्योंकि ये सर्दी का मौसम है और लोग जल्दी सो भी जाते हैं और अपने जो बहुमूल्य उनके जो सामान हैं उनका कई दफ़ा हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि अपने सामान का ध्यान रखें, अपने जो व्हीकल्स हैं उनको अच्छी तरह से लॉक करें और अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो कम से कम अपने पड़ोसियों को बताएं और कीमती सामान को कम से कम घर में छोड़ के जाएं और लॉकर या इस तरह की फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करें और कहीं भी किसी तरह की कोई संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति को घूमता मिलता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडो के बच्चों ने पुलिस चौकी पंडो और पंचायत घर का भ्रमण किया। इस दौरान पंडो चौकी प्रभारी किशोरी लाल ने कहा कि बच्चों को कानून व्यवस्था और यातायात की जानकारी दी गई। सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडो के बच्चों के भ्रमण के दौरान पंडो चौकी प्रभारी किशोरी लाल ने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रहने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बच्चों को बताया गया कि अगर स्कूल में कोई नशा करता हुआ देखा जाए और कोई छेड़खानी करता हुआ देखा जाता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। इस मौके पर पंडोह पंचायत के उप प्रधान इंद्रजीत शर्मा ने बच्चों को पंचायत की कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी। इस मौके पर प्रिंसिपल खोबिंदर शर्मा ने चौकी प्रभारी पंचायत का धन्यवाद भी किया। पुलिस चौकी पंडो में सर्वोदय पब्लिक स्कूल पंडो के बच्चे चौकी में आए थे, उनको जो है ट्रैफिक नियम के बारे में बताया गया तथा पुलिस की कार्यवाही प्रणाली के बारे में बताया गया और बच्चों को बताया कि नशे से दूर रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें और आपके इलाके में या स्कूल में कोई ऐसी छेड़खानी या हुड़दंग मिल जाता तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, इसलिए सारे बच्चों को अवगत कराया गया। आज हमारे बच्चों ने पुलिस चौकी और ग्राम पंचायत पंडो का भ्रमण किया जिससे पुलिस चौकी की कार्यशैली के बारे में हमने जानकारी हासिल की और अपने पाठ्यक्रम के आधार पर ही बच्चों ने पंचायत में जाकर पंचायत की कार्यकारी उसके विषय में उसके प्रबंधन उसके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। मैं पुलिस चौकी विभाग की और साथ में ग्राम पंचायत अपर पंडो का आभार व्यक्त करूँगी। के चैनल के लिए पंडो से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने ढालपुर मैदान में अंडर 15 और अंडर 19 आयु वर्ग की राज्य स्तरीय मध्यम व लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 10 जिलों के 114 धावकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मंडी के धावकों धाविकाओं का दबदबा रहा। अंडर 15 वर्ग में 3000 मीटर दौड़ में मंडी जिला के चमन ने रेस जीती है। मंडी के यशपाल दूसरे और कांगड़ा के अरोवत तीसरे स्थान पर है। लड़कियों के इसी आयु वर्ग में मंडी की आस्था, ज्योति और शिवानी ने क्रमशः पहले 3 स्थान झटके। अंडर 19 वर्ग की 5000 मीटर की दौड़ के प्रवीण ने रेस जीती है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 15000, 10000 और 8000 की नकद राशि प्रदान की गई। आज 26 दिसंबर 2017 को जिला कुल्लू में राज्य स्तर की प्राइज मनी की एथलेटिक्स रेसिस का आरंभ हुआ और इसमें अंडर 19 छात्रावर्ग और छात्रवर्ग तथा अंडर 15 गर्ल्स वाइज दोनों में इसके कंपटीशन हुए और इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों ने भाग लिया और इसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जिन्होंने ली है उन्हें जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका जो प्राइज 5000 और 4000 था उसका दोगुना प्राइज बच्चों को यहाँ इस पोजीशन जिनकी आती है उनको मिलेगा और वे जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपना इस आगे जो है इसको इसमें भाग लेंगे और जिला कुल्लू का ये बहुत भाग्य है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के जो एथलेटिक्स इवेंट्स यहाँ हुए हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का जो है जिला खेल विभाग कुल्लू को इसका मौका मिला है और उसमें शिक्षा विभाग का जो है बहुत ही योगदान रहता है हर वर्ष की भांति। इस बार भी बहुत शारीरिक शिक्षक जो शिक्षा विभाग से अपनी सेवाएं यहां दे रहे हैं और हर वर्ष की भांति हमारे जिला कुल्लू के छात्र छात्राओं ने भी इसमें भाग लिया है और उन्होंने अच्छी स्पर्धा जो है आज यहां संपन्न हुई है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के लिए कि हमारे बच्चे जो इन प्राइज मनी जो रेसिस हैं इसमें जो भाग ले रहे हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और उनको जो है इसमें नगद पुरस्कार भी मिलता है और उसके साथ साथ ही वो अन्य जो कंपटीशन होते हैं चाहे वो जिला स्तर के हैं चाहे वो राज्य और राष्ट्रीय स्तर के हैं उसमें हमारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इस मौके पर सुमन रावत मेहता ने धावकों के साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी ने अतिरिक्त निदेशक, अन्य अतिथियों और सभी धावकों का स्वागत किया और प्रतियोगिता की जानकारी दी। कुल्लू से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। कला संस्कृति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से सक्रिय हिमाचल प्रदेश की अग्रणी संस्था सूत्रधार कला संगम कुल्लू की ओर से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपके सेवा में एक संदेश भी प्रस्तुत करना चाहूँगा कि इन दिनों नन्ही प्रतिभाओं को उभारने के लिए सूत्रधार भवन में 25 दिसंबर से कराटे और डांस क्लासेस शुरू हो चुकी हैं जो 11 फरवरी तक चलेंगी। 11 फरवरी को ग्रैंड फिनाले होगा। आप सबके आशीर्वाद से इस बार सूत्रधार की टीम ने हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य एवं नाटक में प्रथम स्थान अर्जित करके हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव में करने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम ठाकुर द्वारा सीएम पद की शपथ लेते ही झूम उठी छोटी काशी मंडी। मंडी जिला को सीएम के साथ मिली 2 कैबिनेट मंत्रियों की सौगात।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का जमकर हुआ शोषण। सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान बोले युवा विरोध संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा। बीती 21 दिसंबर को मंडी बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैलाने वाले युवक ने घर पर अपनी मां के न होने के कारण किया था कारनामा। वीडियो गेम खेलता था युवक, इस कारण हो गया था युवक को साइको। और पंडोर स्कूल के बच्चों ने किया पुलिस चौकी और पंचायत घर का भ्रमण, बच्चों को कानून व्यवस्था और यातायात की दी गई जानकारी। जयराम ठाकुर को 13वें मुख्यमंत्री बनने पर पंडोर बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को 50 किलो लड्डू बांटे और ठाकुर की ताजपोशी पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर सुंदर गंडोत्रा ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि जयराम ठाकुर भाजपा के एक युवा नेता है। इस मौके पर सुरेंद्र गंडोत्रा ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि जयराम ठाकुर भाजपा के एक युवा नेता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जयराम ठाकुर प्रदेश में अच्छा काम करे और 20-25 साल तक हिमाचल की सेवा करते रहे। वहीं इंदर सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर सराज और मंडी में खुशी की लहर है। आज हम पंडोह के निवासी सभी मेल बाजार पंडोह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की ताजपोशी के लिए एकत्रित हुए हैं और सब खुशियों के साथ एक दूसरे को लड्डू बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे होनहार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर एक बार नहीं कई सालों तक फिर अगले कई 20-25 सालों तक भाजपा में आए और सेवा करें। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता रवि ठाकुर, प्रेम ठाकुर, बलदेव ठाकुर, इंद्रजीत शर्मा और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा से भाजपा की नई सरकार बनने के बाद कुल्लू जिला में लोगों में खुशी का माहौल है और लोगों ने नई सरकार बनने के बाद एक दूसरे को बधाई दी। वहीं राजकीय चालक परिचालक संघ के पदाधिकारियों ने ढालपुर में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर विभिन्न जगहों पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। राजकीय चालक परिचालक संघ के जिलाध्यक्ष तुलेराम ने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर लोगों को मिठाई बांटकर खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कर्मचारियों के हितैषी रहे और ऐसे में अब मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि मनाली विधानसभा से गोविंद सिंह ठाकुर तीसरी बार विधायक बने हैं और अब प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं, जिसे कुल्लू जिला के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं और सभी वर्गों के लोगों को उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसे प्रदेश के विकास के साथ कुल्लू जिला के विकास के लिए अच्छा कार्य करेंगे। हमें सभी कर्मचारी भाइयों को जयराम जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जब ये विधायक थे उस वक्त भी उन्होंने भरपूर हमारा सहयोग दिया है कर्मचारियों का। जब भी हम इनके पास गए अपने डिमांडों को लेकर, इन्होंने वो आवाज़ आगे तक उठाई है और अब तो हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब जो मुखिया जो हमारे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय जयराम ठाकुर जी बने हैं, तो उन्हें कर्मचारियों से बहुत उम्मीदें हैं कि जो भी हमारी डिमांडें वो पूरी होगी। और यहाँ पे जो हमने राजकीय अर्धराजकीय चालक प्रचालक महासंघ की तरफ से लड्डू बांटे, ये इस खुशी में हमारे आदरणीय गोविंद ठाकुर जी जो लगातार तीसरी बारी कुल्लू के मनाली से विधायक बने हैं, उस खुशी में आज हमने जो है यहाँ पे सभी कर्मचारी भाइयों ने यहाँ खुशी जाहिर की है और उम्मीद है हमें कि अब जो है पूरा कुल्लू जिला चहुंमुखी विकास करेगा। तो मंत्री होने के नाते अब हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, कर्मचारियों को भी उनसे उम्मीदें हैं और पहले भी उन्होंने पूरी की है, अब तो हमें ज़्यादा उम्मीद है आदरणीय मंत्री जी को। मंत्री पद पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। राजकीय अर्धराजकीय चालक परिचालक महासंघ आज उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद। कुल्लू से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बुधवार को जहां शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शपथ ली, वहीं सिराज विधायक जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ को लेकर मंडी के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं मंडी शहर में मौसम भी काफी ठंडा और सुहावना बना रहा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, जिसके चलते मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहां के मौसम दिल्ली के मौसम में काफी डिफरेंट है। दिल्ली का मौसम अभी बहुत क्लियर है पर यहाँ पे भी बहुत ठंड है और ठंडिया है ही। मैं एक्चुअली यहाँ का हूँ भी नहीं और मैं यहाँ आके मैंने जरा वॉशरूम गया, मैंने फेस वॉश धोया तो इतना चिल्ड पानी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ऐसा पानी। बाकी दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम है। मौसम तो सुबह से बादल छाए हुआ आसमान पे और वैसे ना ही सर्दी भी कुछ थोड़ी रिकॉर्ड हो गई है, पर सर्दी तो है। तो एक मंडी वासियों के थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि आज का मौसम और दिन
बहुत ही सुहावना है। एक तो हमारे मुख्यमंत्री बन के मंडी जिला के, और दूसरे हमारे माननीय अनिल शर्मा जी पशुपालन विभाग और पंचायती राज के मंत्री बने, उससे मुझे बेहद खुशी हो रही कि हमारे मंडी के दोबारा मंत्री बन गए हैं, और जैसे महेंद्र सिंह जी भी बने हैं, तो मुझे अति खुश होगी। मौसम का आपको क्या ख्याल है, पर हमें इस खुशी की बात है कि हमारे मंडी में मंत्री जी दो मंत्री हैं, हमें इसकी बहुत खुशी हुई। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का जमकर शोषण हुआ है। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि उनकी प्रदेश सरकार से मांग है कि हिमाचल में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ और पेंशनर एसोसिएशनों ने प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों का ख्याल नहीं किया, बल्कि संघों के नाम पर वह मात्र राजनीति करते रहे, इसलिए उनकी मान्यता तुरंत प्रभाव से भंग कर देनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को याद दिलाया कि भाजपा द्वारा जो चार्जशीट राज्यपाल को सौंपी गई है उस पर कार्रवाई की जाए, और अगर वह इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा चारों सीटों पर कब्जा करने में सक्षम होगी। ये मांग है वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि अब किसी को भी मतलब जो है एक्सटेंशन ना दें, और बिल्कुल इसके अलावा हमने ये भी कहा है जो कांग्रेस शासन काल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पेंशन एसोसिएशनों ने जो राजनीतिकरण करा उनको इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए, और अच्छे लोगों को आगे लाकर के जो है मान्यता दी जाए ताकि कर्मचारियों पेंशनों का उद्धार हो। और इसके अलावा हमने आज हम ये मांग और भी करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये उसे जरूर लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्यपाल जी को 4 सीट सौंपी थी, उस 4 सीट पर कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए। अगर उस 4 सीट पर कार्रवाई तुरंत हुई तो चारों लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के संग में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल। जयराम ठाकुर द्वारा सीएम पद की शपथ लेते ही झूम उठी छोटी काशी मंडी। मंडी जिला को सीएम के साथ मिली 2 कैबिनेट मंत्रियों की सौगात। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का जमकर हुआ शोषण। सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान बोले युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा। बीती 21 दिसंबर को मंडी बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैलाने वाले युवक ने घर पर अपनी मां के न होने के कारण किया था कारनामा। ब्लू गेम गेम खेलता था युवक, इस कारण हो गया था युवक को साइको। और पंडो स्कूल के बच्चों ने किया पुलिस चौकी और पंचायत घर का भ्रमण। बच्चों को कानून व्यवस्था और यातायात की दी गई जानकारी।